नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, वो प्लेलिस्ट की जस्ट इससे पहली वाली वीडियो है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, फिर आप इस पे प्रोसीड करिएगा, क्योंकि आपको समझने में फिर थोड़ी आसानी होगी। वैसे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन बट दे आर ऑफ द सेम अप्रोचेज, मतलब कि दे आर ऑफ सेम टाइप ऑफ अप्रोचेस। दोनों ही क्या है, दोनों ही मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस हैं। एक मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होती है, अब समझते हैं कि एक मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होती है। मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज एन अप्रोच जिसके अंदर वी ट्राई टू फाइंड द नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन या फिर एक ऑप्टिमल सोल्यूशन। मतलब कि या तो हम एक नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं या फिर एक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती हमारे को। हम सर्च स्पेस जो हमारे को दिया हुआ होता है, हम उसको पूरा ट्रैवर्स करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरली कि हमारे को ऑप्टिमल सोल्यूशन ही मिलेगा। तो दिस इज व्हाट मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज, ठीक है। और ACO क्या होता है, ACO होता है एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। एंड PSO क्या है, पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, जिससे पहली वाली वीडियो है। दीज आर व्हाट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्वॉर्म इंटेलिजेंस अप्रोचेस। इसका क्या मतलब है, स्वॉर्म इंटेलिजेंस अप्रोचेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, ये करती हैं यूज बिहेवियर ऑफ सोशल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स सच एज एंट्स, बीज, बर्ड्स एक्सेट्रा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये अप्रोचेस इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स के बिहेवियर्स को यूज करती है, उनकी स्वॉर्म लाइक बिहेवियर को यूज करती है, ताकि एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। स्वॉर्म लाइक का क्या मतलब है, झुंड में, हर्ड में घूमते ना, हर्ड ऑफ कैटल्स होता है, वैसे ही स्वॉर्म ऑफ एंट, स्वॉर्म ऑफ बी, स्वॉर्म ऑफ बर्ड्स वगैरह होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू में या फिर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप की अप्रोच है ये, ठीक है। तो आपको बोलना है इट इज अ मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच इन विच वी यूज स्वॉर्म इंटेलिजेंस विच इज सिमिलर टू सोशल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक बीज, एंट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। और अब देखते हैं कि भाई ACO के बारे में और डिटेल में, ठीक है। सो व्हाट इज ACO? ACO इज अ प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल पाथ्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाउ एंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा। कभी आप कह रहे हो मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, तो कहते हो आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच तो है ही, उसका मतलब सिर्फ ये है कि सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हो। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि एक पाथ लेने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक एंट है, तो वो कौन सी पाथ पे जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं हम लोग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक। अब आगे क्या लाइन लिखी है भाई, इसमें लिखा है फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल पाथ्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाउ एंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कि हम इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि रियलिटी में, मतलब कि असलियत में एंट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, एंट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है। तो देखते हैं भाई कैसे करती हैं। दे डू इट वाया टच, साउंड और फेरोमोन। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर टच तो समझ आ गया, आपस में एंट्स मिलती होंगी, टच करती होंगी तो पता चलता होगा कौन कहाँ जा रहा है, साउंड से भी चलो समझ आ गया। ये फेरोमोन क्या होता है, ये नई चीज है, ठीक है। आप समझते हैं कि व्हाट इज फेरोमोन लेवल, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन में फेरोमोन लेवल ही है जिससे हम पाथ फाइंड आउट करते हैं। तो अभी समझाते हैं कि ये क्या होता है। फेरोमोन लेवल इज नथिंग, और फेरोमोन इज नथिंग, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच इज सेक्रेटेड बाय एंट्स दैट ट्रिगर अ सोशल रिस्पॉन्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एंट मूव करती है, मान लो ये एंट है, ये इस पार्ट से, ए पार्ट से बी वाले पार्ट पे जाती है, मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, तो ये अपने रास्ते में एक केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करती हुई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन, जिसके बेसिस पे बाकी एंट्स को भी पता चलता है कि अच्छा यहां से कोई इनकी सेम स्पीसीज का,
सेम स्पीसीज का इंसेक्ट यहाँ से गया है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर एंट गई है, इसने फेरोमोन करा तो बीज जो घूम रही है वहां पे उन्हें भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई एंट गई है, तो वो भी इस रास्ते चले जाएंगे। नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब कि हम सेम स्पीसीज वाले इंसान ही या सेम स्पीसीज वाले इंसेक्ट्स ही ये डिटर्मिन कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, उसके बेसिस पे वो पाथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तो बात इतनी हो गई। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द एल्गोरिथम बिहाइंड इट, व्हाट इज द एल्गोरिथम बिहाइंड द एसीओ। आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो, इतना तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर साथ ही साथ वो चाहो तो वो भी नोट डाउन कर सकते हो, देन वी विल प्रोसीड और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ठीक है, ले लिया। तो अब देखते हैं कि भाई व्हाट इज एसीओ का एल्गोरिथम क्या है, या फिर सूडो कोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड लिखा है ये। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल इनिशियलाइज द पैरामीटर्स एंड द फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन। हमने पैरामीटर्स वगैरह फाइनलाइज कर दिए। पैरामीटर्स क्या हो गए भाई, पैरामीटर्स हो गया हमारे पास, एक तो एजेस हो गए ई, ठीक है, एजेस हो गए ई, और हमारे पास वर्टिसेस हो गए वी। ठीक है, मान लो ये हमारे पैरामीटर्स हैं, और एक हमारे पास पैरामीटर है इवेपोरेशन का, दिस इज एन इवेपोरेशन पैरामीटर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पैरामीटर्स हैं आर वन आर टू और एक पैरामीटर है के। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, इनके बारे में वही आगे जाके समझेंगे, लेकिन बस अब मैं इतना बता रहा हूँ कि वी हैव इनिशियलाइज्ड दी पैरामीटर्स। डू नॉट वरी अगर आपको ये समझ नहीं आया तो, बिकॉज वी विल बी लुकिंग एट दिस ओवर हेयर। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट अ व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल नॉट टर्मिनेट तो हम ये करेंगे, जब तक व्हाइल टर्मिनेट नहीं होता देन वी विल डू दिस। पहला क्या है, पहला क्या है, वी विल बी जनरेटिंग इनिशियल एंट पॉपुलेशंस। पहले तो एंट्स नहीं होंगी, फिर हम एंट्स की पॉपुलेशन को जनरेट करेंगे भाई। ठीक है, देन वी विल कैलकुलेट द फिटनेस वैल्यू फॉर ईच एंट, वी विल कैलकुलेट द फिटनेस वैल्यू ऑफ ईच एंट। ठीक है भाई, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग द सिलेक्शन मेथड्स। हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है, वो हम सब यहाँ पे देखेंगे व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ। ठीक है, लास्टली क्या है, लास्टली वी विल अपडेट द फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन। फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन कैसे अपडेट होती है, जैसे जैसे एंट्स आपकी पाथ पे चलेंगी, डिफरेंट पाथ पे चलेंगी, तो फेरोमोन लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू भी अपडेट होती रहेगी। ठीक है, फिर ये प्रोसीजर करने के बाद वी विल एंड दी व्हाइल लूप एंड वी विल एंड दी प्रोसीजर एंड वी विल हैव आर ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल नहीं तो वी विल हैव अ सोल्यूशन, जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमल हो, बट वी विल ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, अब भाई इसको डेप्थ में समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना, हमारे पास एक एंट कॉलोनी है। एंट कॉलोनी क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी एंट्स अपना घर बनाती हैं, देखे होंगे ना अपने मिट्टी के घर होते हैं, छोटे छोटे से लैंड पे होते हैं, जमीन पे होते हैं, जहाँ पे आपको छोटे बहुत सारी एंट्स होती हैं, तो उसको एक एंट कॉलोनी या फिर एक नेस्ट बोलते हैं। मान लो जो एंट कॉलोनी है उसके लिए, उसके आगे दो पाथ्स जा रहे हैं, एक पाथ है L1, दिस इज पाथ L1 एंड दिस इज पाथ L2। कहाँ जा रहे हैं ये जा रहे हैं किसी फूड सोर्स पे, दिस इज द फूड सोर्स। ठीक है, ये आपकी फूड सोर्स है जिसके लिए दो पाथ्स जा रही हैं, कहाँ से, एंट कॉलोनी से लेके आपकी फूड सोर्स तक, जिसका नाम क्या है, एक तो L1 है एक L2। L1 और L2 पाथ्स हैं, मतलब कि पाथ लेंथ्स हैं। पाथ लेंथ का क्या मतलब है, मतलब कि L2 की जो लेंथ है, L2 की जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन L1, मतलब कि L2 बड़ी है, सीधी सी बात है, मतलब यार L2 हमारी ज्यादा बड़ी पाथ है, L1 छोटी है। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल स्टेज है, दिस इज ए। ठीक है, ए लिखा है, दिस इज योर इनिशियल स्टेज, स्टेज ए, इसको ए बोलेंगे। हेयर देयर इज नो मूवमेंट, आप देखोगे कि इसमें कोई एंट्स वगैरह मूव नहीं कर रही हैं, नो एंट्स आर मूविंग ओवर हेयर, सारी एंट्स कहाँ पे हैं, अपने नेस्ट में। अब भाई यहाँ पे कोई एंट ही मूव नहीं कर रही है, कोई चींटी मूव ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे फेरोमोन लेवल कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो फेरोमोन लेवल आपका यहाँ पे इनिशियली जीरो होगा। अब भरते हैं पार्ट बी पे कि भाई पार्ट बी पे क्या हो रहा है।
ठीक है, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं ये बच्चे नहीं है पार्क में खेलते हुए, ये है एंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ये बच्चे बना दिए खेलते हुए, बच्चे नहीं है ये, दीज आर एंट्स। ठीक है, सो वॉट वी विल सी नाउ इज कि एंट कॉलोनी में से कुछ एंट्स बाहर निकली हैं, क्या निकाल लेने, फूड को लेने या फिर ढूंढने। ठीक है, तो उनके पास दो पाथ्स हैं, या तो पाथ L2 है, पाथ L2 है, या तो पाथ L1 है। ठीक है, नाउ एंट्स बिगिन देयर जर्नी विथ 50-50 प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी एंट्स अपने घर से निकलेंगी उनके पास दो रास्ते हैं, तो दोनों रास्तों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, मतलब कि 50% यहाँ है 50% यहाँ है, हो सकता है आधी यहाँ चली जाए आधी यहाँ चली जाए, मतलब कि वे दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको ध्यान से सुनो, वैसे तो बहुत ईजी है तो मैं समझ आ जाएगा स्मार्ट लोगों कि इफ L2 इज ग्रेटर देन L1 देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। अब भाई सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये T1 T2 क्या लिख दिया आपने, समझ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम दोनों पाथ्स पे जा रहे हैं L1 और L2, और L2 की पाथ लंबी है जैसा कि अभी हमने देखा, तो L2 को ट्रैवर्स करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, विच इज डिनोटेड बाय T2। ठीक है, मतलब कि L2 को ट्रैवर्स करने में ज्यादा टाइम लगेगा, विच इज डिनोटेड बाय T2, दैट इज वाई वी हैव रिटन T2 इज ग्रेटर देन T1। T1 क्या है? T1 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल पाथ L1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई अगर L2 हमारा बड़ा है, L2 हमारा बड़ा है, तो T2 मतलब कि टाइम ज्यादा लगेगा उसको कवर करने में, सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर। ठीक है, अब आते हैं भाई सी वाले पार्ट पे, दो स्टेप्स तो हो गए, अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। अब यहां पे क्या हुआ, एंड्स ऑन L1 रीच अर्ली, एंड्स ऑन L1 रीच अर्ली, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई L1 छोटा था, तो यहाँ पे जो वो थे हमारी एंट्स वो जल्दी पहुंच गई फूड पे। ठीक है, वो लोग फूड पे जल्दी पहुंच गए, ये लोग अभी तक यहीं पहुंचे हैं, ये लोग अभी इसी पार्ट पे पहुंचे हैं, इसी पॉइंट पे पहुंचे हैं, जबकि ये जो एंट्स हैं ये यहाँ पे फूड तक भी पहुंच गई। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ये यहाँ पे पहुंच गई, इन्हें फूड मिल गया, इनको यहाँ जाना था फूड लेने, इनको फूड मिल गया, अब ये क्या डिलेमा फेस करेंगी, डिलेमा का मतलब होता है ये चॉइसेस फेस करेंगे, कुछ चॉइसेस फेस करेंगे, या तो यहां जाएं या तो यहां जाएं। अब मुझे बताओ ये लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आई विल टेल यू ये लोग कहाँ जाएंगे, जैसे कि अब मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं, दे विल रिटर्न बैक टू दिस पाथ, ये लोग इस पाथ पे वापस जाएंगे जहां से आए थे। क्यों? बच्चे बोलते हैं कि सर यहां से आए थे, इनको ये रास्ता पता था इसलिए यहां से ही जा रहे हैं, हो सकता है भाई दीज आर वन ऑफ द रीजंस, लेकिन यहाँ पे इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी आर सेइंग दैट दे आर गोइंग बैक टू दिस पाथ बिकॉज ऑफ द फेरोमोन लेवल डिपॉजिट इज मोर ओवर हेयर एज कंपेयर टू द पाथ L2। हिंदी में इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन है, फेरोमोन क्या है, केमिकल कंपाउंड जो था ये रिलीज करते हैं, उसकी लेवल यहाँ पे ज्यादा है, जो कि मैंने डॉट से दिखा रखी है, जो पे आप डॉट्स देख रहे हैं वो फेरोमोन लेवल है, डॉट्स यहाँ पे ज्यादा हैं, यहाँ पे फेरोमोन लेवल भी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये लोग अपना ही फेरोमोन लेवल सेक्रेट करते हुए यहाँ पहुंचे, यहाँ पे तो फेरोमोन लेवल पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ये वाली जो एंड्स हैं वो तो यहाँ फूड तक अभी तक आई ही नहीं, दैट इज वाई दीज एंड्स विल ऑल्सो टेक दी पाथ फ्रॉम विच दे केम, मतलब कि ये L1 पे आए थे और L1 से ही चले जाएंगे। नाउ पहले कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 50-50 सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी कि L1 पे भी 50 है, L2 पे भी 50 है, अब जो है सिलेक्शन ऑफ L1 इज हायर नाउ एज द फेरोमोन लेवल इज हायर, समझे? फेरोमोन को हम pH से डिनोट करेंगे, तो आगे कहीं भी pH लिखा होगा तो आप समझ जाना कि फेरोमोन pH है। ठीक है, मतलब कि अब L1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सिलेक्शन की बिकॉज ऑफ द फेरोमोन लेवल, जो कि अब यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब ये वाली एंट्स तो भाई वापस भी जाने लग गई, ये वाली अब वापस जा रही हैं इसी स्टेप पे, ये वाली तो भाई अभी पहुंचेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई लास्ट स्टेप जो है हमारा, नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में आप देखेंगे कि मोर नंबर ऑफ एंट्स आर ट्रेवलिंग पाथ L1 एज कंपेयर टू द पाथ L2।
मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि L1 पे अब ज्यादा एंट्स ट्रैवल कर रही हैं, पहले दो थी अब भाई तीन हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा फेरोमोन लेवल भी ज्यादा है, ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। मोर एंट्स रिटर्न वाया दी पाथ L1 विच इज दी शॉर्टर पाथ। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसलिए आ रही होगी शॉर्टर पाथ है, अभी तो समझाया फेरोमोन लेवल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फेरोमोन लेवल ज्यादा था L1 L2 से, दैट इज वाई नाउ मोर नंबर ऑफ एंट्स विल मूव ओवर हेयर। जो एंट यहाँ से भी आ रही थी, जो दो एंट्स यहाँ से भी आ रही थी, उनमें से एक को भी लगा, उनमें से एक को लगा यार यहाँ पे तो फेरोमोन ज्यादा है, दैट इज वाई वी विल मूव ओवर हियर, तो वो यहाँ पे इनके साथ ज्वाइन हो गई। एंड एक अकेली उसको नहीं समझ आया भाई, उसमें इतनी समझ नहीं थी, तो वो अभी भी इससे ही जा रही है, यहाँ पे फेरोमोन लेवल कम है। ऐसा होता है, जरूरी तो नहीं है कि सारी एंट्स को लगे कि यहाँ से ही जाना बेस्ट है, यहाँ से ही जाना बेस्ट है ऐसा जरूरी नहीं होता। अ फ्यू एंट्स और वन ऑफ द एंट्स माइट गो बैक टू द पाथ विच इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है, लेकिन हमारी मेजोरिटी कहाँ है, हमारी मेजोरिटी इधर ही है, दैट इज वाई वी कैन से दैट दी आर सोल्यूशन हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि ये सबसे छोटी पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझते हैं फेरोमोन लेवल के रिगार्डिंग, फेरोमोन लेवल के रिगार्डिंग ये पीएच क्या है, पीएच इज फेरोमोन। अब मैंने लिखा है कि फेरोमोन लेवल डिक्रीजेस, इसका मतलब है एरो का डाउनवर्ड मतलब डिक्रीजेस ऑन L2 ड्यू टू द इवेपोरेशन एज L2 इज ग्रेटर देन L1, इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये बात तो समझ ही नहीं आई, मैं समझाता हूँ। मान लो ये हमारी पाथ थी L1, ये पाथ थी हमारी L2, ठीक है। एंट्स यहां से जा रही हैं, दो एंट्स, दो एंट्स यहां से जा रही हैं, ठीक है, दो एंट यहां जा रही हैं, फेरोमोन लेवल छोड़ती जा रही हैं। एंट्स यहां जा रही हैं, वो भी फेरोमोन छोड़ती जा रही है, लेकिन वो तो बड़ी देर देर में यहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा पाथ है एज कंपेयर टू L1, ठीक है। तो ये जब तक यहां पहुंच जाएंगी, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली एंट्स जब यहां तक पहुंचेंगी और ये वाली एंट्स जब यहां तक पहुंचेंगी, तो यहाँ का जो फेरोमोन लेवल होगा वो कम होगा, ठीक है। द फेरोमोन लेवल ओवर हेयर विल बी लेस एज कंपेयर टू द फेरोमोन लेवल ऑन पाथ L1, क्योंकि यहाँ पे लंबी पाथ है तो ये समय भी ज्यादा लगा रहे हैं वहां तक पहुंचने में, ये तो कब के पहुंच गए, ये पहुंचने में समय लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे इवेपोरेशन भी होगा, नॉर्मल एनवायरमेंट में इवेपोरेशन भी होती है, धूप है गर्मी है, तो जो फेरोमोन लेवल होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। मतलब कि एक हमारा सेकंड फैक्टर आ गया, सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है इवेपोरेशन का, ठीक है, सेकंड फैक्टर है इवेपोरेशन का, जो मैंने अभी पैरामीटर समझाया था, अभी भी समझ नहीं आया पैरामीटर कहाँ से है, वो भी इसमें समझ आएगा, सब्र रखो तब समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर क्या आ गया इवेपोरेशन का, जिसकी वजह से हमारी फेरोमोन लेवल कम हो रही है, ठीक है। तो ये बात समझ आई, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, कि हमारा फेरोमोन लेवल कम हो गया L2 पे, क्योंकि इवेपोरेशन L2 पे ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ देखते हैं अब ये क्या लिखा है भाई, होल कॉलोनी ग्रेजुअली यूजेस दी शॉर्टर पाथ, यूजेस दी शॉर्टर पाथ, इसका क्या मतलब है। ग्रेजुअली जब यहाँ पे सारी एंट्स आती चली जाएंगी, ये वाली एंट्स भी अब वापस गई और फेरोमोन लेवल यहाँ सेक्रेट हो गया, यहां से तो एक ही आ रही थी, कम होगा और इवेपोरेशन से थोड़ा सा उड़े भी जाएगा, ठीक है, यहां से भी उड़ेगा लेकिन इतना नहीं उड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो पाथ शॉर्ट है और एक तो यहाँ पे एंट्स भी ज्यादा, तो सेक्रेट भी ज्यादा होगा फेरोमोन। सो स्लोली स्लोली बाकी सारी एंट्स भी यहाँ पे खड़ी होंगी और वो फेस करेंगी कि भाई L1 पे जाएं L2 पे जाएं। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अगर यहाँ स्टार्टिंग से शुरू कर रही हैं तो सर 50-50 बताई थी आपने, तो 50-50 तब बताई थी जब यहाँ पे फेरोमोन लेवल थे ही नहीं, अब तो वी हैव फेरोमोन लेवल प्रेजेंट ओवर हियर, सो मेजोरिटी ऑफ द एंट्स फ्रॉम द एंट कॉलोनी विल मूव ऑन दिस पाथ विच इज व्हाट, विच इज L1, दैट इज वाई वी कैन से आर सोल्यूशन हैज बीन फाउंड, वी हैव ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन एंड फाउंड आउट आर आंसर। तो ये हमारी एंट कॉलोनी की टेक्निक है, ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको पैरामीटर समझाए थे कि भाई एक ई है एक वी है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये चीजें आखिर में है क्या, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लो, साइड हो जाता हूं मैं, अदर टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन, नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला,
भाई हमारे पास एक ग्राफ है जी, कंसिडर दिस एज अ ग्राफ विच इज कॉल्ड एज जी। अब भाई कोई ग्राफ है तो हमारी जाहिर सी बात है उसके पास वर्टिसेस भी होंगे, एजेस भी होंगे। वर्टिसेस होंगे v1 v2, एजेस होंगे e1 e2। v1 v2 e1 e2 क्या है? वर्टिसेस पता है ना भाई क्या होते हैं, तब जानते हो। ये वाला जो पॉइंट है मान लो v1 है, ये वाला जो पॉइंट है मान लो v2 है, एक वर्टेक्स दूसरा वर्टेक्स। ठीक है, तो जो हमारी वर्टिसेस है v1 और v2, सिमिलरली हमारे पास एजेस भी हैं e1 और e2। हमारी ये वाली जो पाथ है इसका एज है e1, ये वाली जो पाथ है हम इसको मान रहे हैं एज e2। ठीक है, समझ आई बात। ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, ये नोड्स हैं, ये हमारी एज e1 है, ये एज e2 है, और ये हमारा v1 है, और ये हमारा v2 वर्टेक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? पीएच वैल्यूज R1 एंड R2। पीएच क्या था? पीएच था हमारा फेरामोन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो फेरामोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर फेरामोन की जो वैल्यू है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर हमारी L1 और L2 पे, उसको हम डिनोट करेंगे R1 और R2 से। बजा रही है बात। ये तो हमारे एजेस हो गए E1 E2, वर्टिसेस हो गए B1 B2। अब जो यहाँ पे फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन है E1 पे, दैट विल बी डिनोटेड बाय R1, और जो हमारी E2 पे कॉन्सेंट्रेशन है फेरोमोन की, दैट विल बी डिनोटेड बाय R2। समझ आई बात? इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें समझने को, बहुत ही आसान है। क्या है यहाँ पे फेरोमोन लेवल R1 और R2 क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं भाई स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन दी फेरोमोन लेवल्स। फेरोमोन लेवल पे हमारी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी स्टार्टिंग की, दैट इज पी ऑफ आई, या फिर पी आई इज इक्वल टू आर आई अपॉन R1 प्लस R2। अब आई क्या है सर? बच्चे बोलते सर आई क्या है? आई आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी 1 या 2 पे, मतलब कि आपने पाथ 1 ली है या पाथ 2 ली है। मतलब कि पाथ 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए हम आई को क्या कर देंगे? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये प्रोबेबिलिटी हो गई पाथ L1 को लेने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि हमें पाथ 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब कि L2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, P2 और R2, मतलब कि P2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। हेयर वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द पाथ नंबर L2, या फिर पाथ नंबर 2। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिर्फ स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन में। हो सकता है स्टार्टिंग वर्ड का यूज ना करें, कुछ प्रोफेसर नहीं करते भाई, नहीं मन करता उनका, कंफ्यूज करने में मजा आता है बच्चों को। तो बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी बता दो भाई क्या है एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की, तो आपको यही वाली बतानी है, दिस इज दी प्रोबेबिलिटी, स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब भाई और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, थोड़े और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच अक्रॉस लेंथ ऑफ द पाथ। स्टूडेंट्स बोलते सर ये क्या लिख दिया, इतना बड़ा समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से आपने अके और लिख दिया है, ऐसी ही नहीं समझ आ रही थी चीजें, आपने के और लिख दिया, कुछ भी नहीं है, इजी है, समझाता हूँ। ये समझ आ गया ना, इतना सब आ ही रहना अभी तक सब समझ, अब इतना सा पार्ट रह गया इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरामोन अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पाथ इज गिवन बाय दिस। आर क्या था? पीएच वैल्यू, पीएच कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज इक्वल टू आर आई प्लस के अपॉन एल आई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन है दैट वेरीज विद दी लेंथ, इनवर्सली वेरीज विद दी लेंथ, इनवर्सली वेरीज विद दी लेंथ। इसका क्या मतलब है? जितनी पाथ हमारी लंबी होगी, इसको दिखाते हैं आपको, जितनी पाथ हमारी लंबी होगी उतनी फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन हमारी कम होगी, मोर द लेंथ लेसर द फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इट विल गेट इवेपोरेटेड वेरी फास्ट। ठीक है, और एक के कॉन्स्टेंट होता है विच डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है, इसको एक कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं जो हमारी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो हमारी लेंथ की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी हमारी कॉन्सेंट्रेशन
ज्यादा होगी, सो दिस इज वॉट इज डिनोटेड बाय हेयर। मतलब कि जैसे लेंथ हमारी कम होगी तो हमारी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो भी बढ़ जाएगी, कुछ ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस साइन है, ऐड हो जाएगा, तो हमारी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएच की, फेरोमोन की, वो भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज वॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच अक्रॉस दी पाथ, ठीक है, अक्रॉस लेंथ ऑफ दी पाथ। अब देखते हैं भाई लास्ट फॉर्मूला क्या है। लास्ट फॉर्मूला ये है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू दी रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इज रिटन अकॉर्डिंग, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू दी रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी इवेपोरेशन होगी ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपका फेरोमोन लेवल भी इफेक्ट होगा। हायर द इवेपोरेशन, लोअर दी इवेपोरेशन, लोअर दी फेरोमोन लेवल, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ये हमारी आ रही क्या है, फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन, विच इज इक्वल टू 1 माइनस फाई, फाई भी बोल सकते हैं इसको आप, इसको आप पी भी बोल सकते हैं। आप कई जगह देखेंगे इसको ऐसे वी से भी डिनोट किया जाता है, ऐसे वी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वी लिख दो, कुछ भी लिख दो इन दोनों चीजों में से, बोथ आर सेम, डजंट मैटर, ठीक है। इंटू आर आई, मतलब कि जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस वी। वी क्या है, वी है आपकी इवेपोरेशन का पैरामीटर विच वेरीज फ्रॉम 0 to 1, जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, इंक्लूडिंग 1, ठीक है, इंक्लूडिंग 1। सो दिस इज व्हाट द पैरामीटर वी डिनोट्स। और आई हमारा जितनी वैल्यू वी की बड़ी होगी, जितनी वैल्यू वी की बड़ी होगी उतनी हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम आएगी फेरामोन लेवल की, मतलब कि जितनी वेपोरेशन ज्यादा होगी उतना फेरामोन हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने इसमें समझा कि कैसे एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन वर्क करती है, कौन से टाइप्स की अप्रोच है ये, सूडो कोड क्या है इसका, क्या क्या स्टेप्स होते हैं समझने के, हर स्टेप पे क्या हो रहा है इंडिविजुअली हमने देखा, ठीक है, पाथ लेंथ्स को समझा, फिर फॉर्मूले के लिए हमने पहले इसको ग्राफ में कन्वर्ट किया, उसकी एजेस और वर्टिसेस को देखा, ठीक है, फिर हमने फेरोमोन लेवल को डिफाइन किया R1 एंड R2, ठीक है, फिर हमने देखा कि स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब फेरोमोन लेवल की पाथ 1 ही जाए या पाथ 2 पे जाए, उस पर जाने की प्रॉबिलिटी क्या होती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन वॉट, द फेरोमोन लेवल, ठीक है। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरोमोन अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पाथ, इसमें हमने देखा कि फेरोमोन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, फेरोमोन कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। लास्ट फॉर्मूला हमने देखा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरोमोन लेवल अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन, मतलब कि हमारा फेरोमोन लेवल वेपोरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा वेपोरेशन उतनी कम फेरोमोन लेवल। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन आना नहीं चाहिए अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो। आ रहा है कोई बात नहीं यार, पूछो, आई डोंट जज, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफ यू लाइक दी वीडियो और आपको समझ आया है, अच्छी लगी है, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड कॉमेंट सेक्शन में वाओ लिखिए, कॉमेंट सेक्शन में वाओ लिखिए, एंड सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको और वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि हमें भी फिर मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस ऐसी बनाने की। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट आई कैन से फॉर एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको और एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम, एंड अगर आपको एक ही नंबर कम मिलता है तो टीचर की बात मुझसे कराना, ठीक है। सो गाइज इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड सारी चीज़ें नोट डाउन आई होप आपने कर ली होंगी, आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैटल एल्गोरिथम क्या होता है, फायर फ्लाई एल्गोरिथम क्या होता है, एंड एक एल्गोरिथम और था, मल्टीवर्स एल्गोरिथम क्या होता है, जो मार्वल के फैंस है ना उनके लिए बहुत बढ़िया चीज आने वाली है कि भाई मल्टीवर्स तो करते रहते तुम लोग वीडियो में, मूवीज में जब मल्टीवर्स आता है ना, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई थी, वैसी एक हमारे पास है मल्टीवर्स एल्गोरिथम, मल्टीवर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, उसको भी हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। सो गाइज दिस इट फॉर दिस वीडियो, आई एम रौनक जैन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।